भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करेंगे। रविवार को ही मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया था। जब रविवार को कैलाश गहलोत ने अचानक इस्तीफा दिया था, दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। कैलाश गहलोत अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों की ही कैबिनेट में अहम मंत्री रहे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कैलाश गहलोत ने अपने पत्र में शीश महल और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों का भी जिक्र किया और नाराजगी जताई। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा और कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक मुद्दे हैं जो सभी को शक में डाल रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी होने पर विश्वास करते हैं। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में लिखा कि दिल्ली सरकार अपना ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने में लगाएगी ताकि राज्य की प्रगति ना हो सके। कैलाश गहलोत ने कहा कि मेरे पास आम आदमी पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए मैं सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। कैलाश गहलोत ने यह भी कहा कि ईमानदार राजनीति के चलते ही मैं पार्टी में शामिल हुआ था, वह अब नहीं रही है।